ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन। मैं कई स्कूलों में जब जाता हूँ तो कई टीचर्स अपने स्कूल की बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं सर हमारा स्टाफ बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, सारे बहुत मेहनत करते हैं, हमारा बोर्ड में फर्स्ट नंबर आता है। आजकल के बच्चों को शिक्षा मतलब क्या समझते हैं? वो सिलेबस पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, उसको पास करना, इसको समझते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई, ई फॉर एम्पावर, बनना, सशक्त बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे एम्पावर। आज के युवा एम्पावर, कल का समाज देश एम्पावर, एम्पावर बनना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा शब्द आता है डी, डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ डिसिप्लिन में रहना। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन, अनुशासन। जिसका अपनी इंद्रियों पर शासन है वही पढ़ा लिखा। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मार दी, मुख में शासन नहीं, गाली दी, आंखों में शासन नहीं, कुछ भी गलत देख लिया। अगर नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार करेगी, अगर नौका के अंदर पानी आएगा डुबा देगी, इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसलिए अनुशासन में रहना, यह शिक्षा का उद्देश्य। आगे का शब्द आता है यू, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, यह एजुकेशन। आज सिगरेट है, गुटखा का मुंह में डाला है, क्यों? उन पढ़े लिखे हैं लेकिन उसकी समझ नहीं है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग, समझ आना, यही शिक्षा का उद्देश्य। आगे का शब्द आता है सी, सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया, थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई, थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ गया। लेकिन आज के पढ़े लिखे लोग क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के पढ़े लिखे लोग चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा करें। अगर आप इंटरनेट में जाकर के देखेंगे, जो गलत काम करे वो अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सब कुछ पढ़ाई की लेकिन चरित्र की पढ़ाई नहीं सीखी। इसलिए आजकल के लोग चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा करें, उसी धन से फैशन करेंगे, जूते पहनेंगे, होटल में खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और समझते हैं हम पढ़े लिखे हैं। इसलिए चाहे भूखा मरना पड़े, चाहे प्यासा मरना पड़े, चरित्र को कभी भी दाग लगने नहीं दो। एक समय था इसी देश में आज चरित्रवान लोग थे, इसीलिए गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे, प्रकृति अच्छी थी। आज प्रकृति में प्रॉब्लम आए, बीमारियां बढ़ती जा रहे हैं, क्यों? यहाँ रहने वालों के अंदर चरित्र खत्म हो गया। आज देखते हैं 3-3 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस होता जा रहे हैं, कितनी घनौनी आज ये बातें होती जा रहे हैं। और इसलिए आज चरित्र की महंगाई है, बाकी तो भौतिक विकास हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक मानव का विकास नहीं होगा तब तक हम असली विकास के तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए मानव जो रहता है उसका विकास करना, अर्थात उसके अंदर मूल्यों को अपनाना, चरित्रवान बनाना, यही शिक्षा का उद्देश्य। आगे का शब्द आता है ये, ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, कि निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। अगर निगेटिव सोचेंगे, मेरा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव सोचो, आज के दिन जो अच्छी मेहनत करता है कल भी बहुत अच्छा होगा, जो आज मेहनत नहीं कर रहे हैं और कल का टेंशन कर रहे हैं, आज भी गया और कल भी गया। इसीलिए पॉजिटिव बनो। भगवान ने हर इंसान को नीचे भेजा है, उसके दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। इसलिए हमें जो भगवान ने काम दिए हैं, आज का दिन अच्छा मेहनत करो, कल भी बहुत अच्छा होगा, इसलिए पॉजिटिव बनना। आगे का शब्द आता है टी, टी फॉर टॉलरेंस, सहन करना सीखना। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति की कमी है। मैं कई स्कूल में जाता हूँ,
तो बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? और एक शब्द यूज करता हूँ, झूठ बोले कौवा काटे। लगभग सारे 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, हमको गुस्सा आता है। तो टीचर वहाँ बैठे रहते हैं, हमने कहा सर आपने कोई गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने का कोई लेसन नहीं सिखाया? तो सर कहते हैं हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है, मैं काफ़ी सारे जब जेलों में जाता हूँ, लगभग 900 जेल में गया हूँ, कई कैदियों को जब पूछता हूँ इसमें से गुस्सा करके कौन कौन आया, और वैसे तो जेलों में एक बोर्ड भी लगा रहता है, काम वाले कैदी कितने हैं, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, और उसमें से 60 या 70% कैदी जो होते हैं क्रोध वाले होते हैं। आज उन बच्चों को सब कुछ सिखाया, वो पढ़ाई में नंबर 1 है, लेकिन क्या नहीं सीखा? गुस्से पर कंट्रोल नहीं करना सीखा, टॉलरेंस पावर नहीं सीखी, इसलिए सहन शक्ति की आज जरूरी है। इसलिए उन बच्चों को सहन शक्ति का, मुझे लगता है आज के स्कूलों के सारे लेसन बन करके काम क्रोध इसके पर कैसे जीत प्राप्त करना, यही लेसन सिखाने की जरूरत है। इसलिए आज के बच्चों में सहन शक्ति कम होती जा रही है, इसलिए बीमारी बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं। सहन करना सिखाना, पहले जमाने में अगर बच्चों को कुछ नहीं आता है, टीचर उसको सामने बुला करके उसके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? उसके हाथ पर, हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाती है। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी बच्चों को छड़ी मारो तो कहता है सर भारो फिर देख लूँगा, क्योंकि आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। आज के माँ बाप ने बच्चों को इतना लाडला बनाया, कई बच्चों को माँ बाप कहेंगे बेटा ये मोबाइल रखो, अगर टीचर या मैडम कुछ कहते हैं मुझे फ़ोन करके बताना फिर देख लूँगी। पहले ज़माने के माँ बाप क्या करते थे, अगर बच्चों को कुछ नहीं आता है तो उस टीचरों के हवाले करते थे और कहते थे इसको मारो, कुछ भी करो, सुधार करके भेजो। लेकिन आज के इसीलिए बच्चों में नाजुक बनते जा रहे हैं, सहन शक्ति नहीं है, और वो बच्चे यहाँ से तो पास हो जाते हैं, समाज में जाकर के फेल हो जाते हैं। इन बच्चों के अंदर सहन शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। पहले ज़माने में टीचर्स अगर बच्चा कुछ गलती करता है कान पकड़ता था, क्यों? क्योंकि कान के अंदर भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, वो कान खींचने के कारण बुद्धि खुल जाते हैं। लेकिन आज ये संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, ये बच्चे नाजुक बनते जा रहे हैं, और इसलिए सहन शक्ति वो यहाँ से तो फोन करके माँ बाप को बताएंगे, लेकिन बड़े होकर के जब कोई झगड़ा करता है मारता है किसको बताएंगे? माँ बाप तो बूढ़े होकर चले गए, फिर सुसाइड करेंगे, तनाव में आएंगे, नशा करेंगे, किसी को मार देंगे, क्योंकि बचपन से सहन करना नहीं सीखा। तो इसलिए बचपन से उन बच्चों को सहन करना सिखाना यह जरूरी है। तो मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा था, ई फॉर एम्पावरमेंट, डी फॉर डिसिप्लिन, U for understanding, C for character, A for attitude, T for tolerance, आगे का शब्द आता है I for integrity, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एकात्मता सिखाना है, शिक्षा का उद्देश्य है। एक ने कहा दूसरे ने माना, आज पढ़े लिखे लोग हैं, पति पत्नी का बनता नहीं, एक का मुँह इधर दूसरे का मुँह इधर, क्योंकि बचपन से गुण नहीं सीखे, सहन करना नहीं सीखा, साथ में एकात्मता नहीं सीखी। एकात्मता लाना ये शिक्षा का उद्देश्य है। एक उंगली को कहो लड्डू बनाओ, नहीं बनाएंगी, पांच उंगलियां मिलकर के लड्डू बना सकते हैं, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जब तक एकात्मता नहीं, बड़े बड़े कार्य हम नहीं कर सकते, एकात्मता की आवश्यकता है। आगे का शब्द आता है वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के युवा निराशावादी है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, अगर दीवार पर चिट्ठी चढ़ती है गिर जाते हैं, कहते हैं दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी, कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा आई, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए हमें आशावादी बनना। कहते एक व्यक्ति था जिसके सिर पर बाल नहीं थे, तो भी जेब में हमेशा कंघा लेके चलता था,
क्यों? उसको आशा थी कि कभी बाल आ सकते, आशावादी बनना, मैं पास हो सकता हूं, मैं अच्छी नौकरी कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, इसी तरह पॉजिटिव सोचना, आशावादी बनकर के जीना, आशावादी बनना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। और लास्ट का शब्द यन, यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, उसको कहेंगे सज्जन। तो इस शब्दानुसार जब मैं बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे आप ये बताओ इस शब्दानुसार आप लोग कितने पढ़े लिखे, तो पहले तो कहते थे सर हम 95, 98, लेकिन जब ये एजुकेशन का अर्थ बताता हूँ तो सब बच्चे कहते हैं सर 10%, कोई कहता 5%, कोई कहता 0%। ये है वास्तव में शिक्षा। अगर एजुकेशन के शब्दों को जीवन में लाएंगे तब ऐसे बच्चे समाज की परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे। तो वास्तव में ये है एजुकेशन।